हे गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइज आज मेरा भाई जूता आने वाला है। तो एक्चुअली ना मैंने एक जूता ऑर्डर किया था और वो जूता भाई आज डिलीवर्ड होने वाला है। तो आज सबसे पहले ना मेरा काम है भाई उस जूते को लेकर और उस जूता के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और काफ़ी बढ़िया जूता है, आपको देख के ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़ा सा अंधेरा है भाई, तो अभी चलते हैं छत पे ना, क्योंकि लाइट कटा हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है। और एक बात बता रहा था, आज मैंने एक एडिडास का मिंत्रा से जूता ऑर्डर ऑनलाइन किया था, वो जूता आज ना फिलहाल आ जाएगा। तो आज उस जूता का भाई करेंगे अनबॉक्सिंग और काफ़ी मज़ेदार जूता है, आपको अभी आने वाली वीडियो में पता चलेगा भाई। तो सबसे पहले इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया था कि सर आपका जूता आ चुका है, आप आके बाहर से ले लो। तो अभी चलते हैं फटाफट से उसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं उस जूता के बारे में। ये वाला जूता मैंने मंगवाया था जो है एडिडास का। तो फिलहाल देख लो यार, मेरे पास इसका ये पार्सल आ चुका है और मैंने मिंत्रा से मंगाया था। तो फिलहाल देखते हैं आज इसको अनबॉक्सिंग करके और ये कैसा जूता होने वाला है। फाइनली यार ये रहा अपना एडिडास का बॉक्स। और मैंने इसे मिंत्रा से मंगवाया था और इसका प्राइस भी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। और देख लो कुछ इस तरह का जूता मैंने मंगवाया था है। तो फिलहाल ये रहा हमारा भाई पैकेज। तो ओपन करते के साथ हमारा ये रहा जूता, जो भाई देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है यार। देख लो सेम मेरे को ऐसे ही देखने में लग रहा है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह का भाई डिज़ाइन का जूता मंगाया था। तो अभी इसको निकालते हैं यहाँ से। ओ भाई कुछ इस तरह का जूता देखने में लगता है। और इसका भी मैं नाम बताने वाला हूँ ना, इसका नाम क्या है। तो देख लो सबसे पहले इसको ट्राई करते और इसको बढ़िया से भाई निकाल कर पहन कर देखते हैं कि इसका फिटिंग कैसा है। तो लो जी लो भाई, इसमें हमें इसका बिल भी मिल चुका है और इसका बिल है टोटल 3400 रुपये का, यानी 3419 रुपये का। 3400 कुछ रुपये का आ रहा था, मेरे पास कूपन एक रखा था ना, उस पर डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद मुझे 3200 रुपये का ये जूता पड़ गया भाई। एडिडास का यहाँ पर लोगो भी मिलता है। और तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इधर का सोल देखते हैं ना, सोल में कुछ है कि नहीं एडिडास का लोगो। हाँ, एक सोल में यहाँ पे लोगो है और एक यहाँ पे इसका लोगो है एडिडास का। तो अभी इसको पहन कर देखते हैं। और ये साइज है 8 नंबर, तो आई थिंक मैंने 8 ही मंगवाया था। हाँ देख लो यहाँ पे UK 8 है, US 8.5 है। तो फिलहाल इसको फटाफट से यार पहनते हैं, ट्राई करके देखते हैं मेरे पैर में फिटिंग होता है यार या नहीं, क्योंकि मैं 9 नंबर भी पहनता हूँ, 8 नंबर भी पहनता हूँ, तो मोस्टली मैं 8 ही नंबर पहनता हूँ। तो अभी देखता हूँ इसको फिलहाल फटाफट से यार इसको पहन लेते हैं और देखते हैं कि इसका फिटिंग कैसा होने वाला है। तो भाई फाइनली मैंने इस जूता को पहन भी लिया और देख लो कितना बढ़िया लग रहा है देखने से ना। और अभी देख लो मैं साइड से भी दिखाता हूँ ना, कितना मस्त लग रहा है ये जूता देख लो। तो भाई कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, और क्या ही लुक आ रहा है भाई सही में। एक्चुअल में ना ये जूता मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना भाई, उससे ज़्यादा ही बेहतर है। तो 3000 के बजट में अगर आप जूता लेने का सोच रहे हो भाई, तो इससे बेस्ट जूता नहीं हो सकता। मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। मिंत्रा पे अवेलेबल है, 3300 रुपये में आपको ये जूता मिल जाएगा भाई। काफ़ी बढ़िया जूता है भाई, लुक भी इसका बहुत तगड़ा है, देखने में भी प्रीमियम लगता है और काफ़ी बढ़िया लुक भी है। और इसका सबसे बड़ा अपना, इसका 2-3 कलर भी आता है, तो आप वहाँ से कलर भी चेकआउट कर लेना, आपको जो भी कलर पसंद आएगा आप वो कलर ले लेना। बाकी मेरा तो भाई सजेशन है, अगर आप जूता लेने का सोच रहे हो और 3000 तक का बजट है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ये वाला जूता लो, काफ़ी बढ़िया जूता है, प्रीमियम देखने में भी लगता है और पहनने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से यार धनबाद, और ये ना काफ़ी दिन से मेरे को कॉल करके बुला रहा था, आइए इसलिए बुला रहा था। आज नई वाले घर में भाई बन रही है मज़ेदार वाली बिरयानी। और पता है आज हुआ क्या ना, अभी अयान लाने गया था फूड कलर, तो फूड कलर देख लो भाई, आज बिरयानी बनने वाला है पीला। बिरयानी में डलता है भाई ऑरेंज कलर, और यार पता नहीं उसको कौन दे दिया फूड कलर, तो बिरयानी तो हो जाएगा भाई अपना पीला। तो बिरयानी पीला देखने में तो बढ़िया लगेगा नहीं, तो फिलहाल अभी आते हैं फूड कलर लेके ऑरेंज। और जब कल से मौसम इतना अच्छा था ना, मैं पटना में था भाई, मौसम काफी बढ़िया था, और यहाँ आते के साथ ना भाई गर्मी काफी तेज हो चुकी है और धूप भी काफी तेज हो चुका है। यही वाला मिला ऑरेंज, रेड मिल गया, बहुत ऑरेंज किसी के पास था ही नहीं यहाँ पे, दो दुकान में देखे रेडी दिया पूरा, इसकी तरह देखिए ना, क्या बोलते हैं इसको, चिल्ली पाउडर की तरह है। आज इस वाले घर में फर्स्ट टाइम बन रही है बिरयानी। लाइट फिर चली गई क्या? हाँ लाइट फिर गया। तो भाई साहब जब से मैं अभी आया सुबह से ना, इतना बार लाइट जा चुका है भाई कि क्या बताऊँ। सुबह सुबह पहुंचा यहाँ पे, तो अभी आकर फटाफट से हो जाते हैं फ्रेश और खाना पीना खाएंगे। करिए ना थोड़ी इधर वाला ओपन करिए। हाँ पूरा हाथ देखिए, मेरा खुद हाथ लाल हो गया, थोड़ा सा लग गया पर इसको पानी से तो ये छूट जाएगा, एकदम लग रहा अबीर की तरह है। ओ पूरा हाथ था तो आपका लाल लाल
इसको कौन कहेगा फूड कलर है। तो भाई साहब चलो जी चलो, मैंने भाई नहा वा लिया, नहा के हो चुके हैं फिट और अपना खाना भी यहाँ पर निकल चुका है और गर्मा गर्म घर की बिरयानी भाई देख लो। ओह मुंह में पानी आ गया। ओह देख लो, खाएगा तो नहीं, हाथ लगा रहा है भाई। क्या ही टेस्टी बिरयानी है। बट ना थोड़ा सा आलू का कलर आज पीला हो गया, बट जो भी है यार टेस्ट तो वही रहेगा ना, कलर से क्या मतलब है। तो फटाफट से खाते हैं बिरयानी। यार सुबह से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा चाय पिया था वहाँ से आने के बाद। फिलहाल खत्म करते हैं इस वाले बिरयानी को फटाफट से। तुमको तो बिरयानी पसंद नहीं अरशद? बहुत पसंद है। फिर झूठ बोल रहा है, वहाँ पर घर पर तो नहीं खाता। देख लो भाई इसको बिरयानी, बेवकूफ़ हो तुम। अगर बिरयानी में चिकन नहीं ना तो वो बिरयानी नहीं हो गया, वो फिर खिचड़ी हो गया। और इसको पता नहीं कि चिकन में बिरयानी, बिरयानी में इसको चिकन ही नहीं पसंद है, बेवकूफ़ है। आ जाइए भाभी, आप खाइएगा। ओए होए गर्म गर्म गर्म। ओए होए होए, चलो जी चलो, फाइनली अपना बिरयानी निकाल लिया, इधर अपना सलाद दिया। ओए होए, क्या मज़ेदार बिरयानी है। ओए होए होए, मुंह में पानी आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी भाई, मुंह में पानी आ रहा है। तो फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ यार, मेरे को काफी मजा आ रहा है। तो गाइस फाइनली इतना मच्छर परेशान कर रहा था ना यार, तो ये खरीद कर लेके आना पड़ा। निकाल तो, ओपन करो तो, काम कर रहा है अभी, बंद होगा ना। क्या चार्जर यहीं पर लगा रहा था इसमें, यहाँ पे अलग से थोड़ी रहता है यही। तो भाई साहब इतना मच्छर परेशान कर रहा था ना, अभी करते हैं ना मच्छर। लाइट कटा हुआ है ना? हाँ चार्ज है, चार्ज है, अभी चार्ज है, चार्ज कर दिया है। नहीं तो अभी आने देते हैं ना लाइट, लाइट आने के बाद भाई तो क्या। तो अभी यार शाम हो चुका था, सब यहाँ पे मस्त बैठ के पार्किंग में एंजॉय कर रहे थे और वैसे भी लाइट कटा हुआ था। चलो पैर दो, गेट लगाओ, गेट लगाओ। क्या चीज है देखें, देखें पकड़ो तो इसको, ऐसे ही निकल जाएगा। तो भाई साहब अभी आया था एक पार्सल वाला। लो भाई लो, ये रहा क्या सीरम है, मैक्स स्किन सीरम। और भी कुछ है, दो है, दो, एक पे एक फ्री दिया है। अच्छा एक पे एक फ्री दिया है, नहीं गलत कैसे, जो जो भी ऑर्डर करिएगा ना वही चीज आएगा, गलत कैसे आ जाएगा। फेसबुक पे से मंगवाई है ना। अच्छा ये फेसबुक पे से मंगवाई है, वो कैसे तो पहुंच गया, गनीमत है। फेसबुक पे से आप मंगा रही हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से मंगाइएगा ना, तो कोई कोई ऑर्डर ले लेता है और पहुंचता ही नहीं है। हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम से मत मंगाएगा, कभी कभी किस्मत किस्मत अच्छा था कि आपका ये प्रोडक्ट आ गया, वरना ये प्रोडक्ट नहीं आने वाला था विंटन से। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं ऑन। और अभी क्या है ना, देखो अरफा इसको हिलाएगी और इसमें से कितना मच्छर निकलने वाला है। निकल जा। एक निकला उधर, बहुत था। ओ भाई इधर इधर, हटो हटो, वो है मटका बगल चल रहे हैं, थोड़ा सा बाहर कुछ सामान लेना है ना, और खाना खाने के बाद इतना मस्त नींद आ चुका था भाई। रात भर मैं ट्रेन में था और ट्रेन में भाई बढ़िया से सो नहीं पाया था, इसलिए खाना खाने के बाद मस्त मैं सो गया था। और अभी उठा और अभी टाइम हो रहा लगभग 8 बजे के आसपास। तो अभी चल रहे हैं थोड़ा बाहर कुछ सामान लेके आना, साथ में अरशद भी चल रहा है और भाभी भी चल रही है। तो फिलहाल चलते हैं यार बाहर, देखते हैं अभी कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। और लाओ तो यार भाई अरशद को मिल गया उसका फूफू। ओए ओए कहाँ है, ए डर गई। जो मम्मी पीछे रह गई, ये 20 रुपए का ना।
ऐसा है यार, हमने भाई ये खरीद कर लाया था मच्छर मारने वाला बैडमिंटन, और इससे ना काफी ज्यादा भाई मच्छर आज मारा है भाई। इतना ज्यादा मच्छर मारा है ना कि अब मच्छर से आजादी मिल चुकी है, तो आज सोच रहे हैं बिना मच्छरदानी का भाई सोने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा मच्छर था ना। तो अभी तो इससे भाई सारा मच्छर हो चुका साफ, खाना पीना भी हो चुका। और बात कुछ ऐसा है, मैं बताने वाला हूँ कि मैंने जो जूता लिया था भाई उसका अनबॉक्सिंग तो किया था भाई पटना में दूसरे वाले घर पे, और मैं रात में फिर चलाया यहाँ पे, तो वो जूता तो मेरा भाई वहीं पे रह गया। और आज मैं यहाँ पे आ गया तो यही बताने वाला था कि मैं जूता लेने के बाद मैं डायरेक्ट आ गया था धनबाद। तो फिलहाल खाना पीना हमारा हो चुका है और रात लगभग रात का 10:30 का टाइम भी हो चुका है, तो खाना पीना हो गया कम्प्लीट। तो फिलहाल आज भले इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।